यदि वाकई में आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो ये स्पीच आपका जीवन बदल सकती है। लेकिन तब जब आपको लगे आपके अंदर कुछ बनने लायक है, सिर्फ तब जब आप उन चीजों को वाकई में बदलोगे जिन्हें बदलने के बारे में आप महीनों सालों से सोच रहे हैं, सिर्फ तब जब नए साल के आने का इंतजार नहीं करोगे, उस चीज को आज से ही बदल डालोगे। आप हर दिन इंतजार करते हैं ना कि कोई आएगा और आपके ऊपर जादू की छड़ी चलाएगा और आपका पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा। क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसा होगा, या सिर्फ बहानों के तले अपने जीवन को दवाई चली जा रहे हो? पहले लेट उठने का बहाना बनाया, उसके बाद बहाना बनाया पढ़ाई न करने का, और उसके बाद अब कह रहे हो कि यदि आपकी कोई मदद कर देता तो आप कहीं और होते। याद रखना, मूर्खों की लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ समस्याएं होती है, और समझदार के लिस्ट में उन समस्याओं का समाधान। आपको सिर्फ ये क्यों लगता है कि सिर्फ आपके जीवन में ही समस्या चल रही है, बाकी किसी और के जीवन में कोई समस्या नहीं है? अरे थोड़ा बाहर निकल कर तो देखिए, उन लोगों को जिनके पास सोने के लिए घर नहीं है, वो रोड पर सो रहे हैं, उनके पास ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, ठंड में ठिठुर रहे हैं। अरे उन लोगों को देखे जिनके पास पैर ही नहीं है, आंखें नहीं है, हाथ नहीं है। ईश्वर ने आपको तो सब कुछ दिया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक आप सिर्फ सोचते चले जा रहे हैं। बॉडी सबको अच्छी चाहिए, लेकिन जिम कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसमें तकलीफ होती है ना, और आपको सिर्फ उस तकलीफ से ही तकलीफ है। आप बिना किसी तकलीफ के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते। अरे चाहते तो स्टीव जॉब्स भी बहाना बना सकते थे, क्योंकि बचपन में उनके माता पिता ने उन्हें किसी और की गोद में दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और अपने जीवन में आगे बढ़े। चाहता तो वो तब बहाना बना सकते थे जब दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल को उन्होंने निर्माण किया और उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी से भगा दिया गया, लेकिन वो रुके नहीं, वो झुके नहीं, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे और उन्होंने नई कंपनी का निर्माण कर दिया। और चाहते तो वो तब बहाना बना सकते थे जब उन्हें कैंसर जैसी बड़ी बीमारी हो गई। चाहते तो वो कह सकते थे कि मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एप्पल को पूरी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनाने के लिए अपना 100% दिया। मुसीबतें हर इंसान के जीवन में आती है, लेकिन जीतता वो नहीं जो मुसीबतों को देख कर बैठ जाता है, जीतता वो है जो उन मुसीबतों को, उन समस्याओं का हल निकालता है और अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। तो आपकी जीत तय है। आप अपने आप से पूछें कि आप मुसीबतों के सामने डटकर खड़े रहने वाले हैं या फिर हार मानकर बैठ जाने वाले हैं। हार कर बैठ जाने वालों का ये दुनिया कभी सम्मान नहीं करती, वो कभी भी दुनिया में जीतते नहीं है, वो कभी भी दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते। याद रखना, सिर्फ अकेले रेस में दौड़कर जीतने से अच्छा है कि 10 लोगों के साथ दौड़े और हार जाए। अरे आप अपनी काबिलियत का पता तो लगाए कि आपके अंदर क्या है और क्या नहीं। आप तो शुरू में ही डर जाते हैं, जब भी कोई काम शुरू करते एक आधी हार आपके सामने आती है और आप हार कर बैठ जाते हैं। आप अपने आप से प्रश्न क्यों नहीं करते कि आपको आपके जीवन से चाहिए क्या? यदि सिर्फ सोचने से बच्चा पैदा होता तो इस दुनिया में हर एक व्यक्ति सफल होता, हर एक व्यक्ति अमीर होता, उसके पास हर वो चीज़ होती जो वो चाहता है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं होता है। जीवन का असली सच तो यही है कि आपको हर चीज़ पाने के लिए कर्म करना ही पड़ेगा, उसके बाद सब्र रखना ही पड़ेगा। कई बार आप गिरोगे, हारोगे, लोग बुरा भला कहेंगे, कभी आपका मन उस काम को करने के लिए करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन इस जीवन की रेस में वही आगे बढ़ेगा जो हर मुसीबत का डटकर सामना करेगा और अपने जीवन में सिर्फ आगे बढ़ता रहेगा। बिल गेट्स ने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी कि मैं कभी भी अपनी क्लास में आगे बैठने वाले बच्चों में से नहीं था, मैं हमेशा ही पीछे बैठने वाले बच्चों में से था, लेकिन आज मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि जो आगे बैठने वाले बच्चे थे आज वो सभी के सभी मेरी कंपनी में काम करते हैं। इसलिए आप भी कभी ये मत देखिए कि आप आगे हैं या पीछे, ऊपर है या नीचे, आप सिर्फ ये देखिए कि आप अपने काम को कितनी ईमानदारी और कितनी दृढ़ता और कितनी मेहनत के साथ कर पा रहे हैं। सिर्फ मेहनत, लगन और आपका आत्मविश्वास ही वो ताकत है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। किसी और की सोच आपके प्रति क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने आप को एकांत में बैठाइए और अपने आप से पूछे कि आपके अंदर कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, आप किन चीज़ों को इम्प्रूव करना चाहते और किन चीज़ों को आप अपने जीवन से खत्म करना चाहते। तो आप देर मत लगाइए और अभी इसी वक्त अपने जीवन को बदल डालिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।